दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे मंदिर के बारे में जिसके पत्थर से बने अलग अलग स्तंभों पर थपथपाने से संगीत की अलग अलग ध्वनियां निकलती है। इसी के साथ इन स्तंभों को कैसे बनाया गया होगा इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इस मंदिर की जानकारी डिटेल्स में। इस मंदिर का नाम है विजय विठल मंदिर, जो कर्नाटक के हम्पी गाँव में स्थित है, जिसे ईस्वी सन 1400 से 1600 के बीच बनाया गया है। यह भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इस मंदिर के आगे रंगमंडप है, जिसमें 56 स्तंभ है, जिनकी ऊंचाई लगभग 12 फीट तक है। यहाँ के बड़े स्तंभों को छोटे स्तंभों की पंक्तियों से घेरा गया है। यह छोटे स्तंभ बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जब इन स्तंभों पर हाथ से थपथपाते हैं, तो उनमें से बहुत ही सुंदर संगीतमय आवाजें निकलती है, जो सारे गमप के स्वरों जैसे बजते हैं। इन स्तंभों को उस समय कैसे बनाया गया होगा? ऐसा लगता है कि इन सभी छोटे स्तंभों को एक ही बड़े पत्थर पर तराशकर आकार दिया गया है। यहाँ के सभी स्तंभों पर एक ही प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया है और सभी स्तंभों का आकार एक जैसा है। फिर भी इन सभी स्तंभों से अलग अलग आवाज कैसे आती है? कुछ लोगों का यह मानना है कि इन स्तंभों के अंदर से होल्स बनाए गए हैं, जिससे ऐसी अलग अलग ध्वनि तैयार होती है। पर यह दावा भी गलत निकला। जब यहाँ ब्रिटिशों का प्रभाव था, तब वो भी इस मंदिर के स्तंभों को देखकर अचंभित हुए। ब्रिटिशों ने इन स्तंभों का अभ्यास करने हेतु से 1930 में यहाँ का एक स्तंभ तोड़ा। यहाँ के तोड़े गए स्तंभ का निशान अभी भी दिखाई देता है, पर उन्हें स्तंभ में कहीं भी होल्स दिखाई नहीं दिए। तो इन स्तंभों को कैसे बनाया गया होगा? ऐसे संगीतमय स्तंभों को एक तकनीक से बनाया जा सकता है, जिसे रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि पत्थर को पिघलाने की तकनीक, जिसमें अलग अलग धातु का उपयोग किया जाता होगा, जिस वजह से इन स्तंभों से ऐसी आवाज आती होगी। इन धातु के मिश्रण को अलॉय कहते हैं। हम्पी के विजय विठल मंदिर में भी इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इन स्तंभों को बनाया गया होगा। यह तकनीक बहुत ही कठिन है। हम आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी पत्थर को पिघलाकर अच्छे से आकार नहीं दे सकते। तो ऐसा लगता है उस समय हमारे पूर्वज बहुत ही अलग और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते होंगे। यहाँ अलग प्रकार के भी पत्थर है, जिसे थपथपाने से लोहे जैसा आवाज आता है। अगर पत्थर में लोहे का प्रमाण ज्यादा हो तो ऐसी आवाज आती है। यहाँ के दो पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया तो नगाड़े जैसा दिखाई देता है, जो नगाड़े जैसा बजता होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उन्हें भी अलग इन्फॉर्मेशन मिले। और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।